वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। अभी तक मैंने सारे पार्ट इनहेरिटेंस के बता दिए हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर इन चारों इनहेरिटेंस को आपने समझा है तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपके लिए चुटकी बजाने का काम होगा। तो बनी रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा मिक्सचर होता है सारे इनहेरिटेंस का, जो मैंने आपको सिंगल, मल्टीलेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझाया है, उन सारे का मिक्सचर हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। मैंने आपको ऊपर एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है, उस ब्लॉक डायग्राम में देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पर आपको सिंगल इनहेरिटेंस भी दिख रहा होगा, मल्टीलेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस भी दिख रहा होगा, और हो सकता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी दिख रहा हो। तो ये मिक्सचर होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको लाइव स्क्रीन पे लेके चलता हूं और समझा देता हूं। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल होगा और आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने सारी वीडियोस मेरी देखी हुई है। तो ये हमारा प्रोग्राम, बट इस प्रोग्राम को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में मैंने इनहेरिटेंस कैसे कराया है, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी इनहेरिटेंस आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता देता हूं कि कैसे यूज किया है। मैंने क्लास ए बनाई है, उसके बाद क्लास बी बनाई है, क्लास सी बनाई है और क्लास डी बनाई है। क्लास ए से क्लास बी में मैंने सिंगल इनहेरिटेंस कराया है, बट उसके बाद क्लास बी और उसके बाद क्लास सी एक और बनाया है, और उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस कराया है, क्योंकि मल्टीपल बेस क्लासेस एक क्लास में इनहेरिट हो रही हैं, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ है। कैसे हुआ मैं इसके हेल्प से आपको समझाता रहूंगा। पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, हेडर फाइल यूज करने के बाद क्लास ए बनाया है, जिसमें बस सिर्फ मैंने पब्लिक मेंबर के अंदर इंटीजर एक्स को डिक्लेयर किया है, इसका कोई और यूज नहीं किया है, ये यूज मैं करूंगा अपनी दूसरी क्लास के अंदर। तो देखिए यहाँ मैंने क्लास बी बनाया है और क्लास बी के अंदर पब्लिक एक्सेस लेवल से ए को इनहेरिट कराया है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, मैंने बी को ए के अंदर इनहेरिट कराया है। अब यहाँ पर वही काम मैंने यहाँ पर किया है कि पब्लिक क्लास बी के अंदर पब्लिक ए से इनहेरिट कराया है। किया क्या काम है इसके अंदर मैंने, वो ये किया है कि पब्लिक लेवल के अंदर मैंने void input x एक फंक्शन बनाया है। इनपुट x नाम इसलिए रखा कि मैं x को इनपुट करा रहा था, इसलिए नाम रख लिया मैंने। और यहाँ पर क्या किया, cout handle नेक्स्ट लाइन में आके एंटर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू के लिए मैंने मैसेज प्रिंट कराया और वैल्यू ऑफ इनपुट मैंने एक्सेस करा ली। उसके बाद एक क्लास c बनाई है, इसका कोई इनहेरिट इसलिए नहीं कराया है क्योंकि क्लास c के अंदर कहीं से वैल्यू नहीं आ रही है, ये एक ऐसी क्लास होगी जो d क्लास को वैल्यू देगी, इसलिए क्लास सी नॉर्मल एक क्लास सी है जिसके अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस लेवल में इंटीजर वाई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक वॉइड इनपुट वाई डिक्लेयर किया है। इनपुट वाई मतलब एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि यहां पर मैं वाई को इनपुट ले रहा हूं इसलिए इनपुट वाई लिया, और वही सेम एंटर द वैल्यू ऑफ वाई मैसेज प्रिंट करके वैल्यू ऑफ वाई ले लिया है। अब देखिए यहां पर मैंने क्लास डी को कैसे बनाऊंगा, क्लास डी के अंदर मैं इनहेरिट कराऊंगा क्लास बी और क्लास सी को। तो यही मैंने यहाँ पर किया, एक क्लास डी बनाया है जिसके अंदर वैल्यूज इनहेरिट कराई हैं क्लास बी और क्लास सी की पब्लिक एक्सेस लेवल से। अब जब भी मैंने पब्लिक एक्सेस लेवल से बी और सी को इनहेरिट कराया, तो जो बी के अंदर void input x का पूरा काम हुआ है और void input y का जो काम हुआ है, और ये y और ये साथ में x भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर इनडायरेक्ट ए भी आपका यहाँ डी तक पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि ए की प्रॉपर्टीज बी में है और बी और सी की प्रॉपर्टीज डी में है, तो इनडायरेक्टली ए भी यहाँ डी में पहुंचेगा। तो आपके ए बी और सी की प्रॉपर्टीज डी में आएंगी पब्लिक एक्सेस लेवल से, मतलब आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, void sum बनाया और void sum फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट x भी यूज किया, क्योंकि मैंने बी को इनहेरिट कराया, void input x हमारा बी का फंक्शन था। उसके बाद इनपुट y को यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि वो c का फंक्शन था और मैंने उसको इनहेरिट कराया, और x और y भी मेरे इनहेरिट हुए हैं इसलिए मैं यहाँ इनको यूज कर रहा हूँ। कैसे अब काम करेगा, मैंने इंटीजर मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन जरूरी होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेन फंक्शन इसलिए जरूरी है कि विदाउट मेन फंक्शन आप कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की आपको पता है जरूरत होती है कोई भी क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को यूज करने के लिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट सम किया, तो ऑब्जेक्ट डॉट सम होने की वजह से ये void sum मेरा फंक्शन इवोक हो जाएगा और काम करने लगेगा। तो उसके ऊपर सबसे पहले इंटीजर इनपुट फंक्शन
मतलब कि इनपुट एक्स फंक्शन काम करेगा, इनपुट एक्स फंक्शन का पूरा वर्क होगा, वैल्यू ऑफ एक्स स्टोर हो जाएगी, फिर इनपुट वाई फंक्शन वर्क करेगा, इनपुट वाई में पूरा वैल्यू ऑफ वाई स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद सी आउट एंडल सम एक मैसेज प्रिंट होके एक्स प्लस वाई को सम प्रिंट हो जाएगा। कैसे वर्क करेगा ये प्रोग्राम देखिए, मैं रन करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि क्लास बी की क्लास बी का ये फंक्शन था, बट यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो 10 क्लास वाई, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, जो कि सी क्लास का फंक्शन था, बट यहाँ हम डी में यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इनहेरेंट करा है। 20 और देखिए सम 30 हमको मिल गया। तो हमने क्या किया, क्लास बी और सी को, क्लास बी सी और जो ए था उसको पूरा इनडायरेक्टली यहाँ पर क्लास डी के अंदर लाके हमने पब्लिक मेंबर बना दिया, और यहाँ पर हम यूज करके उसको रन करा पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ना कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास ए से क्लास बी में सिंगल इनहेरिटेंस और क्लास बी से क्लास सी में मल्टीपल इनहेरिटेंस कराया है। तो देखिए अलग अलग इनहेरिटेंस को यूज करके आप एक जो क्लास बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी क्लासेस का इनहेरिटेंस का, उसी को हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा ही वर्क करता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, और इसी के साथ हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर खत्म होता है और हमने सारे पार्ट इनहेरिटेंस के कवर कर लिए हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो छूट गई है या नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, उसमें जरूर जाके देख लेना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जल्द ही देंगे। तो मैं मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।